सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। करने का डे वन की स्ट्रैटेजी ये थी कि सारे मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करें, डे टू की स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ गोवा के जितने भी बीचेस हैं उनको हम एक्सप्लोर कर लें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल नेटिव पहाड़ी। प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो। अरंबोल बीच नॉर्थ गोवा का नॉर्थ मोस्ट बीच है, यानी कि अगर आप नॉर्थ गोवा से शुरुआत करते हैं ना तो सबसे पहला बीच आपका अरंबोल बीच ही मिलता है। इसे हम रशियन बीच के भी नाम से जानते हैं। इस समय हम मॉर्निंग में आए हुए हैं तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप इवनिंग में आते हैं ना तो यहाँ पर आपको रशियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो लोकल क्राउड रहता है वो आपको कम मिलेगा और यहाँ पर रशियन मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी और जो माहौल रहता है एक हिप्पी टाइप ऑफ माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इवनिंग में। हम अरंबोल बीच में हैं, तो हम रह रहे हैं कैलंगुट बीच में। तो कैलंगुट बीच से अरंबोल बीच अराउंड 25 किलोमीटर है, मतलब दूर है। आपको अगर अरंबोल बीच आना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में आएँ, बिकॉज मॉर्निंग में क्राउड भी कम रहता है। तो अरंबोल बीच मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ क्राउड कम है, हम मॉर्निंग में आ गए इस वजह से भी शायद क्राउड कम है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर लोग दौड़ भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए वहां से हम आ रहे हैं, ये पूरा अरंबोल बीच है और वहां से वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं यहां पर। ये पूरा ना रशियन मार्केट है। इवनिंग में तो आपको यहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और ये रॉक्स आप देख पा रहे हैं। अब इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे आपका स्वीट वाटर लेक, जिसे हम अरंबोल स्वीट वाटर लेक भी बोलते हैं और इंस्टाग्राम में ये काफी ज्यादा फेमस है, तो हमने भी सोचा चलो देख के आते हैं। रशियन मार्केट है ना, उसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना है और बीच में आपको ये रॉक्स मिलेंगे। तो अरंबोल बीच जहां पर एंड हो रहा है, बस वहीं से ही आपका रशियन मार्केट से होते हुए आपको आगे बढ़ना है इस लेक की तरफ। यहाँ पर हम अरंबोल लेक पहुंच चुके हैं, स्वीट वाटर लेक। लोकेशन काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों ये जो लेक है ना, जिस तरह से इंस्टाग्राम में हाइप बनाई गई है, मैं कहूँगा देखिए हमें तो वैसी नहीं लगी, हमें तो एक बेसिक ही लेक लगी है और इवन इतनी बड़ी भी नहीं है। देखिए नॉर्मल सी लेक है, हालांकि हाँ बरसातों में शायद थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता होगा या स्पेशली सीजन के समय, लेकिन इस समय तो हमें बहुत ही नॉर्मल ये लेक लगी। और फिर से मैं कहूँगा देखिए जिस तरह हाइप बनाई गई है ना, उतना तो ये अच्छी नहीं है। क्वेरम बीच के लिए हम आ गए हैं, तो ये फेरी पॉइंट है अकॉर्डिंग टू गूगल। देखते हैं यहाँ पे फेरी आती है कि नहीं आती, फिर हम क्रॉस करेंगे, फिर क्वेरम बीच पहुँचेंगे। वहाँ पे टीराकोल फोर्ट है वो देखेंगे
और उसके रिव्यू ऐसे हैं कि वो एक क्वाइट बीच है, ज्यादा लोग नहीं आते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। वहां पर वो समुद्र यानी कि सी वाला एरिया हो गया बीच। अब ये आप देखेंगे तो ये आपकी नदी है, तो दोनों आई थिंक मिल रही है। अगर आप ध्यान देंगे वहां पर आपका बीच हो गया और ये इधर पूरी ये नदी है। साइड से अगर आप देखोगे तो पूरी मतलब बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट मिल रहा है और व्यू आ रहा है। नॉर्थ गोवा में भी ऐसी जगह मिलना वैसे बहुत कम है। अभी तक हम जितने गए थे सारी पार्टीज और शैक्स वगैरह थे, ये थोड़ा क्वाइट है। वहाँ देख लूँगे आप जो फेरी दिख रही है, तो बताया गया है कि फेरी ख़राब है, ठीक है। तो अब ये है कि अब जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम है फेरी की, तो टाइम लगेगा। तो हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन अब किस्मत ये है कि फेरी ख़राब होने की वजह से हम अभी तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। और दूसरा रास्ता जो बताया वहाँ से घूम के आप जा सकते हैं। अंजना बीच पे मुझे ऐसा लगता है बीच थोड़ा एकदम पास है ना, जैसे कि और बीच हमने अभी तक देखे। अगर आप शैक्स पे देखेंगे एकदम सामने ही आपका बीच है, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जा रही है, जेट स्कीइंग है, स्पीड बोट है, बनाना राइड भी है शायद, देखेंगे। यहाँ पर चार्जेस के लिए आपको बार्गेन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 600 रुपीज़ फॉर जेट स्कीइंग आई थिंक इन्होंने बोला ना। और स्पीड बोट पे तो यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारी जितनी बात हुई तो 2500 तो मिनिमम बोल ही रहे हैं दो लोगों के लिए, बट हमें ज़्यादा लग रहा है तो हमने बोला है कम करने के लिए। देखते हैं अगर कोई एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर कर पाते हैं। अंजुना बीच के बाद दोस्तों हम चल पड़े बागा की तरफ। बागा बीच जो नॉर्थ गोवा का मोस्ट हैपनिंग बीच है और फेमस है दोस्तों अपने शॉपिंग्स के लिए, क्लबिंग के लिए और लाउड म्यूजिक एंड शैक्स के लिए।
और अगर आप गोवा आते हैं ना तो ऑब्वियसली बात है आप बागा और कैलंगुट यहाँ तो आप जाएंगे ही जाएंगे। पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है कार के लिए भी और टू व्हीलर्स के लिए भी। देखिए जो मोस्ट हैपनिंग प्लेस है ना यहाँ पर दोस्तों वो है आपकी टीटोज लेन। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए अगर आप गाड़ी टू व्हीलर अगर आप लेके आते हैं तो आप इस तरह से आप पार्क कर सकते हैं। अब ये जो टीटोज लेन है ना यहाँ पर आपको सारे क्लब्स मिल जाते हैं, लेट नाइट क्लब्स जहाँ पर आपकी पार्टीज कराई जाती है। ये है मोस्ट फेमस टीटोज क्लब। यहाँ पर दोस्तों स्पेशली मेरे ख्याल से 8-9 बजे के बाद आपकी सारी पार्टीज स्टार्ट होती हैं और लेट नाइट पार्टीज 3 बजे या 4 बजे तक भी आपकी होती है। आई थिंक एंट्री फी इसकी फॉर कपल 3000 के आसपास है बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सीजन। इसी लेन में दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्लब्स भी देखने को मिल जाएंगे और इससे आप जब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं ना तो टीटोज ही आपके मैंने 2-3 पब्स देखे थे यहाँ पर। आई थिंक डिफरेंट आपके म्यूजिक्स वहाँ पर प्ले करे आते हैं तो 2-3 टीटोज के ही क्लब थे और उसके आगे जब आप आते हैं तो मैम्बोज आपको ये देखने को मिलते हैं। बहुत ही आपके ओल्ड क्लब्स हैं गोवा नॉर्थ गोवा बागा के। और हम और स्पेशली देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बागा बीच जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट हैपनिंग बीच है। यहाँ पर भी आपको शैक्स देखने को मिल जाते हैं, इवनिंग के समय लाउड म्यूज़िक देखने को मिल जाएगा और काफ़ी लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे अंजना में हमने आपको दिखाया था, अंजना में आप कर सकते हैं, बागा में कर सकते हैं, कैलंगुट में कर सकते हैं और कैंडोलियम में भी आप ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इवनिंग में सनसेट हमने यहाँ पर एंजॉय करी, आप भी अगर चाहें तो सनसेट आप एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया नाइट में जो यहाँ का माहौल रहता है वो काफ़ी हैपनिंग रहता है। तो आप भी अगर गोवा आते हैं तो एक बार आपको बागा बीच तो आना ही चाहिए। बागा में दोस्तों काफ़ी क्राउड हो गया था तो सनसेट को एंजॉय करने के लिए हम कैंडुलम बीच की तरफ बढ़ चले और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आने वाला था। नॉर्थ गोवा की जर्नी का एंड दोस्तों हम यहीं पर ही कर रहे हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा हमने साउथ गोवा में क्या क्या एक्सप्लोर करा। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।